संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व संगठन के असेंबली हॉल में सरोद वादक अमजद अली खान ने राम धुन पर शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर इस साल की थीम शांति और अहिंसा परंपरा रखी गई थी और इस थीम का चुनाव भारत ने किया, जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरोज वादक उस्ताद अमजद अली खान, उनके बेटे अमान अली बंगश और अयान अली बंगश ने असमिया लोकगीतों की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने हाल ही में अपनी नई दिल्ली यात्रा का जिक्र भी किया। उस समय वे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए थे। उन्होंने बापू को दुनिया का महान नेता बताया। गुटेरेस ने कहा कि आज की थीम महात्मा गांधी की विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत की संगीत विरासत कई संस्कृतियों का संगम है। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारे मूल्यों, पारस्परिक समझ, असहिष्णुता, सद्भाव के साथ रहने की शैली को सामने रखती है। अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियों के कई वीडियो भी शेयर किए हैं।